बता दें कि सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, अब फिर से सफाई होने लगेगी, कचरा उठने लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। अब शहर में 6000 सफाई कर्मी एक बार फिर से काम पर लौटेंगे। राज्य सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच में वार्ता सक्सेसफुल रही है। एलएसजी सेक्रेटरी जोगाराम, डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा, उप निदेशक नरेंद्र वर्मा, उपायुक्त आशीष कुमार के बीच ये वार्ता। दीपक हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, बातचीत सक्सेसफुल रही, कल से काम पर लौटेंगे सभी सफाई कर्मी, क्या अपडेट्स इस पूरी खबर में? देखिए, बात से बात बनी है और जयपुर राइट्स नहीं, पूरे प्रदेश भर के लिए ये राहत की खबर है कि जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे, जो 4 दिन से हड़ताल पर चल रहे थे, उनकी आज सरकार से वार्ता हुई है दूसरे दौर की, और ये सकारात्मक रही है। यानी कि जो कल वार्ता बेनतीजा रही थी, आज सकारात्मक रही है। यानी कि वापस आज से ही जो सफाई कर्मचारी है काम पर लौटेंगे। देखिए, जो समझौता पत्र है उसमें, देखिए समझौता पत्र पर साइन हो चुके हैं, और जिसमें कहा गया है कि बजट 2005 मांगे हैं जो सफाई कर्मचारियों की, उसमें देखिए तमाम जो अधिकारी हैं और इनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी वार्ता हो चुकी है और समझौता पत्र पे साइन हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि बजट जो 30,000 जो भर्तियां होनी हैं उसके सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद में उनकी जो है विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। साथ में भर्ती प्रक्रिया में सफाई का परंपरागत रूप से जो कार्य करने वाले जैसे मेहता, हैला और वाल्मीकि समाज है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में भर्ती प्रक्रिया में जो नियमों को बनाया जाएगा, तो नगर पालिका भर्ती दिशा निर्देश 2013 में वर्णित भर्ती संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। साथ में जब अंतिम रूप से नियम प्रकाशन पूर्व संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ से मशवरा किया जाएगा, और हड़ताल अवधि में दौरान किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये 5 बिंदु हैं जिस पर समझौता हुआ है, और इस समझौते के बाद में जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ है उसने हड़ताल वापस लेने ऐलान कर दिया है। यानी कि वापस से जो करीब जयपुर में करीब 6,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे वो काम पर लौटेंगे, झाड़ू लगेगी, ऊपर घर घर पहुंचेगा, और साथ में जो सीवरेज ओवरफ्लो हो रही थी उसकी समस्या का समाधान होगा। ये तमाम सफाई कर्मचारी हैं अपने नेताओं के इंतजार में हैं, क्योंकि समझौता पत्र पर हाल ही में साइन हुआ है और कुछ देर में वो वापस लौटेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? गंगापुर सिटी से। तो आपकी मांगे अब सरकार ने मांग ली है, फिर वापस काम पर लौटेंगे? हमारे नेता काम पर लौटेंगे अगर पूर्ण रूप से हमारी क्या नाम है जो मांगे माननीय नंद किशोर धनरी साहब के द्वारा जो दी गई है, अगर वो सहमत हो जाते तब मांगेंगे। अंतिम आदेश हमारा जो अध्यक्ष साहब है नंद किशोर धनरी जी, वही सर मान्य होगा, मान्य आदेश का इंतजार है। बिल्कुल, उनका आदेश का इंतजार। बाहर से नहीं आएगा तब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, वो अंदर क्या निर्णय लेते हैं उस निर्णय के बाद ही हम बता पाएंगे। और नंद किशोर जी डिंडोरिया जी हैं, वो जब आएंगे तभी पूर्ण रूप से जानकारी बता पाएंगे हम। देखिए, ये तमाम वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर डंडोरिया, वो बाहर जाके जब ऐलान करेंगे उसके बाद ये काम पर लौटेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सचिवालय के अंदर करीब 6 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, और उसके बाद जो 5 बिंदु इनके थे, जिसमें से एक बिंदु पहले था कि जो सफाई विज्ञप्ति जारी की थी सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए, उस विज्ञप्ति को राज्य सरकार ने 2 दिन पहले स्थगित कर दिया। ठीक है दीपक। उसके बाद में आज जो 4 दीपक जाहिर तौर पर आप लगातार नजर बनाए हुए थे, और ये बड़ी खबर इस वक्त की आप दे रहे हैं कि सफाई कर्मी जो है वो अब मान गए हैं, काम पर लौट आएंगे। कल से एक बहुत बड़ा सिरदर्द जो है वो खत्म होगा, क्योंकि अब जयपुर साफ नजर आएगा, राजस्थान साफ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातचीत के लिए दीपक। तो बड़ी चीज है कि सफाई कर्मियों की हड़ताल यहां पर खत्म हो गई है।